हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं मनीषा, आप लोगों की संस्कृत टीचर। आज डेट हुई है 2/6/2020। आज मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगी, मीनिंग हो गया पुनरावृत्ति, मतलब उसको अगेन जो मैंने पढ़ाया है उसको रिपीट करूंगी और आप लोगों से क्वेश्चन के माध्यम से जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसी की। तो आज पहले मैं यह समझिए कि मैं टेस्ट लूंगी। अलग बात है कि हम लोग दोनों सामने नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप उसको करिएगा और देखिएगा कि आप कितना सीखे हैं। आप अपनी जांच खुद करेंगे, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं वहाँ। मैं जब जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग साथ मिलकर देख लेंगे कि कहाँ आप सही हैं और कहाँ गलत, और आप कितना सीख रहे हैं। अभी तो पहले क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन आप लोग पहले नोट करेंगे, फिर उसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे, और जब मैं बोलूँगी आंसर, फिर आप लोग मैच कर लेंगे कि आप लोग क्या सही लिखे हैं और क्या गलत। जो अगर गलत होगा तो उसको फिर से आप सही कर लेंगे और नोट याद कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं? नोट करिए, कारक किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें कारक के प्रकार। मैंने बताया है, मैंने जो तीन लेसन पढ़ाया है 1, 2, 3, उसी से क्वेश्चन है, और ग्रामर का जो एक मैं पढ़ाई थी उससे भी क्वेश्चन है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता कारक किसे कहते हैं? चिन्ह तथा विभक्ति लिखें। कर्ता कारक किसे कहते हैं उसके चिन्ह तथा उनके विभक्ति भी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। वचन किसे कहते हैं उसका नाम और उसके प्रकार का लिखना है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकार किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लट तथा लिट लकार में पट धातु रूप लिखें। आप लोगों को 4 में मैंने लट और लिट लकार पढ़ाया था और धातु रूप भी बताए थे। अब मैं यहाँ लट और लिट लकार में क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप लोग पहले नोट करिएगा और खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, उसको लिख लीजिएगा। ओके, चलिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे, देखेंगे कि कितना सही है कितना गलत। सभी क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ। आपका जो गलत होगा उसको फिर से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। आप लोग अपनी कॉपी बनाना मत भूलिएगा। आप अपनी कॉपी रेडी रखेंगे, जब हम लोग मिलेंगे तो मैं उसे देखूंगी कि मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारा आप लोग वर्क किए हैं या नहीं। तो लेसन 1 से 3 तक मैंने अभी पढ़ा दिया और फिर अभी तक पढ़ा दिया है, और अब मैं उसका रिविज़न करवा रही हूँ। तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वह मैं आज टेस्ट के रूप में ले रही हूँ। मैं आंसर बोलती हूँ, आप लोग आंसर मैच करिए और अपने आप को देखिए कि कितना सीखे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं, उसका आंसर क्या लिखे हैं देख लीजिए। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। उसका नाम लिखें तो देख लीजिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। बुक में भी नाम है लिखा हुआ, अगर यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग अपनी बुक से भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? चिन्ह तथा विभक्ति लिखें। कर्ता कारक का डेफिनेशन चिन्ह और विभक्ति लिखना है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है? ने। और इसमें विभक्ति कौन सा लगा है? प्रथमा विभक्ति।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। जिससे किसी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। किसी भी चीज़ के काउंटिंग जब हम एक दो अनेक का जिससे हमको पता चलता है, वह किससे पता चलता है, वह वचन से। तो वचन के द्वारा मुझे हम लोगों को पता चलता है कि वह कितनी संख्या में है, एक है, दो है या अनेक है। तो जिससे किसी की संख्या का बोध हो उसे वचन। तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आंसर क्या होगा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में पठ लिख खाद, अब धातु माने क्रिया, तो क्रिया क्या होता है? पठ माने पढ़ना, पढ़ना लिखना खाना, ये सब एग्जाम्पल हो गया। लकार किसे कहते हैं, संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। काल तो जानते हैं, काल माने समय। अब देखिए, लट लकार तथा लिट लकार में पटधातु रूप लिखें। इसको आप लोग याद भी कर लेंगे, अगर याद नहीं होगा तो। वैसे मैंने फोर्थ में भी करवाया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे। ओके, और जैसे यहाँ मैंने लिखा है पठ धातु रूप, यह कौन सा धातु है? पठ धातु रूप। तो पठ जैसे पठ धातु रूप होगा लट लकार में लिट लकार में, वैसे ही अन्य धातु भी होगा। जैसे यहाँ पट है, अब यहाँ हम अगर खाद भी लिख देते हैं तो खाद भी ऐसे ही चलेगा। खादति खादतः खादन्ति खादसि खादथः खादथो खादामि खादावः खादामः। लट लकार में ये हो गया। अब पठ का क्या होगा? पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि पठतः पठथो पठामि पठावः पठामः। अब मैंने यहाँ पुरुष लिखा और यहाँ वचन। एक वचन में होता है पठति, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता पठन, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठथो। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः। यह लट लकार में हो गया। एक वचन का मतलब एक, जब एक का बोध होगा तब प्रयोग करेंगे, और जब द्विवचन में दो का बोध होगा तब प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में जब अनेक का बोध होगा उस समय बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए, लिट लकार में, लिट लकार में क्या हो जाएगा? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, प्रथम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथो, और उत्तम पुरुष में एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः। तो यह पठ धातु रूप है, और कोई भी धातु रूप रहेगा, जैसे खाद, खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथो, खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। यानी कोई भी धातु रहेगा, कोई भी क्रिया रहेगा, तो सभी चलेंगे ऐसे ही, एक ही जैसा सभी। अगर आपको एक भी याद रहेगा, एक भी पठ धातु याद रहेगा, तो आप लेख खाद गम वद कोई भी क्रिया रहे, कोई भी धातु रहे, तो आप उसका लिख पाएंगे। तो कम से कम एक धातु लट और लिट लकार में आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, और उसको सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे अच्छे से। ओके, बाय।